सबसे बड़े ओपिनियन पोल पर। ओपिनियन पोल में अब तक 18 स्टेट्स में एनडीए को बंपर सीटें मिल रही हैं। 18 राज्यों के ओपिनियन पोल में एनडीए 300 के पार है। और अब जरा ये इस वक्त की तस्वीरें हैं बंगाल में ग्रेटर कोलकाता की 5 सीटें टीएमसी को जाती हुई, तृणमूल को जाती हुई, बंगाल की ग्रेटर कोलकाता की, कोलकाता और आसपास की 5 सीटें जो हैं, 5 सीटें न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में तृणमूल कांग्रेस को जाती हुई। रीजन वाइज बता रहे हैं 42 कुल सीटें हैं बंगाल की। बिल्कुल, अब उत्तर बंगाल की अगर बात करें तो सीधे सीधे आप देखिए 7 सीटें मिलती हुई इस मेगा ओपिनियन पोल में नजर आ रही है एनडीए को, जबकि दीदी को, ममता बनर्जी की, तृणमूल कांग्रेस को केवल 1 सीट। और अगर इंडी गठबंधन की हम बात करें तो 0 अन्य का भी खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। रीजन वाइज अगर हम उत्तर बंगाल की अब बात कर रहे हैं, यानी ग्रेटर कोलकाता में जो पूरा सफाया हो रहा है एनडीए का, वो पूरा वहां पे कवर अप हो रहा है, उत्तर बंगाल में उससे ज्यादा आ रहा है। जी जी, 7। अच्छा चलिए, अब ये 42 सीटों में बात हुई उत्तर बंगाल और ग्रेटर कोलकाता की। उधर दक्षिण पूर्व बंगाल की जो 12 सीटें हैं वहां पर भी टीएमसी का पलड़ा भारी दिख रहा है। 12 सीटों में 7 तृणमूल और 5 एनडीए, एनडीए वहां यानी बीजेपी ही, और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को कुछ भी मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। कह सकते हैं किशोर नेक टू नेक है मामला, थोड़ा ज्यादा पीछे नहीं है, 5 यहां पर दिख रही है जी। अगर हम दक्षिण पूर्व बंगाल की बात करें, दक्षिण पूर्व बंगाल में 5 दिख रही है और अच्छी चुनौती दिख रही है, जबकि आप देखिए वहां पर ममता बनर्जी की सरकार है। लेकिन दक्षिण पश्चिम बंगाल बड़ा उलटफेर नजर आ रहा है, बड़ा यहां पर दिख रहा है कि 13 सीटें बीजेपी को और 4 सिर्फ तृणमूल को, और यहां पर भी बाकी किसी का खाता नहीं खुलता हुआ, यानी कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन बिल्कुल बाहर। 17 सीटें हैं यहां की, जिसमें 13 सीधे सीधे लीड लेती हुई एनडीए नजर आ रही है, और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 4 सीटें, और इंडिया गठबंधन का खाता यहां नहीं खुल रहा है, ना ही अदर्स का खाता खुल रहा है। तो अब देखिए बिल्कुल जो 42 सीटें हैं उसमें बीजेपी 25, पिछली बार 18 से बढ़कर 25, बिल्कुल 18 से बढ़कर 25, चौंकाने वाला एकदम चौंकाने वाला आंकड़ा यह कि पश्चिम बंगाल में भी तृणमूल एनडीए से पीछे, तृणमूल कांग्रेस जो अकेली 42 सीटों पर लड़ रही है और जो विपक्षी गठबंधन है वो बाकी अलग लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस और लेफ्ट अलग लड़ रहे हैं। ना कहीं आपको लगता है संदेश खाली जो है वो बहुत ही दुखद घटना हुई, लेकिन ये आप देखिए ना, आप ये देखिए पहले जरा वोट परसेंटेज देखिए, वोट परसेंटेज 42% एनडीए को जाता हुआ इस ओपिनियन पोल का अनुमान है, और तृणमूल को भी उतना ही जाता हुआ, लेकिन सीटें कम है। अब ये देखिए, ये गठबंधन होना था जो नहीं हुआ। बिल्कुल, 42 की 42 सीटों पर खुद लड़ रही हैं, और ऐसे में सीधा जो है कांग्रेस से अलग कर लिया उन्होंने अपने आप अलग कर लिया गठबंधन में आते, और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन जो है वो भी 14% वोट ले रहा है, चाहे वो मुर्शिदाबाद और आसपास की सीटों पर ले रहा हो, और लेफ्ट के कुछ पॉकेट से वहां से ले रहा हो, और बाकी बंगाल में थोड़ा थोड़ा वोट ले रहा हो, लेकिन 14% जो वोट ले रहा है वो 14% वोट उसका लेना बीजेपी को सीधा फायदा दे रहा है। तो पश्चिम बंगाल का वोट परसेंटेज हमने आपको दिखा कि किस तरह से, अब ये ओवरऑल अगर आप देखेंगे अब तक का पूरा टोटल जो जोड़ लें, 444 में से 444 444 के हम बता चुके हैं, 327 पर एनडीए पहुंच चुका है 444 में ही, और विपक्षी गठबंधन जो है वो 73 पर ही पहुंचा है सिर्फ, इसके अलावा अन्य जो है वो 44 पर पहुंच चुके हैं, जो ना एनडीए के साथ है ना जो विपक्षी गठबंधन। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया 370 का, उसके काफी करीब 370 बीजेपी के और 400 एनडीए के, तो 400 से 327 पर तो पहुंच गए, और अभी लगभग 99 सीटों का आना बाकी है। बिल्कुल, तो 444 में से 327 पर एनडीए, और 19 राज्यों के सर्वे में इंडिया गठबंधन जो है वो काफी पीछे आता हुआ नजर आ रहा है। 19 राज्यों के सर्वे में अन्य को जो है भी नुकसान हो रहा है, तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को पीछे छोड़कर एनडीए जो है वो शानदार तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस मेगा ओपिनियन पोल में किशोर। लेकिन जो एक आंकड़ा जो दिखा वो दिखा वोट परसेंटेज का, वो भी दिलचस्प बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ बने हुए हैं मेहमान, हमारे साथ स्टूडियोज में शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ हैं, विश्लेषक शांतनु गुप्ता जी, उमेश झा जी सोशियोलॉजिस्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अक्कू श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक और राजनीतिक विश्लेषक, और लेफ्ट से हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं, उमेश झा जी हैं हमारे साथ, और साथ साथ दो हमारे साथ मेहमान बाहर से जुड़ेंगे जिनमें सुप्रिया श्रीनेत हैं कांग्रेस की प्रवक्ता, और साथ साथ बीजेपी के अजय आलोक भी हमारे साथ होंगे। तो अब जरा चर्चा की शुरुआत की जाए किशोर, पहले आगाज आप करें, पहले विवेक जी से पूछें, सर ये गठबंधन देख रहे हैं आप, अगर सिर्फ बंगाल की बात करें, बाकी तो पूरा ओवरऑल तो बात है ही, लेकिन बंगाल में 42% तृणमूल, 14% आप और कांग्रेस, और 42% बीजेपी, आपका अलग अलग लड़ना बीजेपी को सीधा फायदा दे रहा है। देखिए पहली चीज, तृणमूल कांग्रेस ने अभी नहीं बोला कि वो INDIA में नहीं है,
पर उसने 42 सीटों का अनाउंस कर दिया शायद, लेकिन उसने ये भी कहा आई एम नॉट आउट ऑफ आईएनडीए, आई एम इन आईएनडीए और जो भी होगा मतलब समझाइए ना, क्या मतलब हुआ इसका, सीधे सीधे समझाइए ना आप कि हम हैं इंडिया गठबंधन में लेकिन अलग लड़ रहे हैं। इसका ये मतलब होता है कि लेफ्ट और कांग्रेस केरल त्रिपुरा बंगाल में लड़ा करते थे एक दूसरे से, लेकिन 2004 में वाजपेयी को हरा करके सरकार बनाते थे। इसका ये मतलब होता है कि कुछ राज्यों के समीकरण में अगर घटक दल आपस में लड़ते हैं फिर भी पोस्टपोल अलायंस होगा और सरकारें बनती हैं। ये विपक्ष की एक राजनीति रही है, अलायंस की राजनीति जो पहले रही है। वो बात तो समझ में आई, लेकिन उससे नुकसान होता दिख रहा है ना। नहीं आप देखिए, अब इसमें कोई नुकसान नहीं है आपका नल से। मैं तो इनसे दो सवाल पूछ रहा हूँ, जैसे सोशियोलॉजिस्ट बैठे हैं हमारे मित्र, मैंने इनसे कहा आपने दिखाया था प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी 80% है, आप कितना प्रतिशत वोट दे रहे हैं एनडीए को? 35 से 40% के बीच में एक वोट परसेंटेज आता है तो देश में सरकार बन जाती है, और आप पॉपुलैरिटी के ग्राफ को आपके सोशियोलॉजिस्ट 80% दे रहे हैं। तो मैं एक तो इसको क्वेश्चन करूंगा, दूसरा मैं इस बात को क्वेश्चन करूंगा कि 42% वोट जो आपने बीजेपी का दिखाया है हम इससे एग्री नहीं कर रहे, ठीक है? हमारे हिसाब से द वोट इज गोइंग टू बी मच लेसर। ये लड़ाई संदेश खाली की जरूर क्रिएट की गई है कि सो कॉल्ड बीजेपी वर्सेस टीएमसी है, पर ऐसा है नहीं ग्राउंड लेवल पर। मानव जायसवाल जी भी हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस से जुड़े, तो पहले मानव जी के पास चलते हैं। सुप्रिया जी भी हमारे साथ हैं, अजय आलोक जी हमारे साथ हैं, स्वागत आप सभी का। मानव जी, ये अभी दिख रहा है कि आप जो अलग 42 सीटों पर लड़ रहे हैं उससे अगर आप लेफ्ट और कांग्रेस के साथ ही मिलकर लड़ते तो बीजेपी को फिर भी पीछे छोड़ सकते थे, लेकिन ये फायदा बीजेपी को मिल रहा है जो इल्जाम लगाया जा रहा बार बार। चलो तो सभी का मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। पता नहीं आपने कैसे कैसे आंकड़े में लगा लिए, अभी बीजेपी ने अपने तो पूरे पूरे कैंडिडेट दिए ही नहीं। अभी आपको दिख रहा होगा कि बीजेपी के मूलतः बीजेपी के नेता, बंगाल के बीजेपी के नेता आज फ्लाइट पकड़ के दिल्ली पहुंच रहे हैं बीजेपी ही ज्वाइन कर, और उसके बाद आप ये नंबर्स दे रहे हैं। साथ ही साथ ये जो नंबर्स है ना, देखिए जो पोल ओपिनियन पोल ये जो हो रहा है ना, ये भाजपा अपनी भूमिका बनाने के लिए कि भैया हम बहुत आगे निकल गए हैं, ये जो नरेटिव जो यू नो फ्लाइंग वोटर्स जो है ये उनके तथाकथित है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि भैया 2021 में आपका एक आया था ऐसे ही कुछ कि भाई भाजपा को 135 मिलेगा, हम कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे, भाजपा 50% या 100% डाउन थी, क्रॉस नहीं कर पाए। और अभी जो आपके सामने हमारे भाजपा के जो नेता बैठे हैं ना, कुछ दिन पहले पूर्व गृह में थे, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में थे, उसने बहुत बोले थे 2 मई दीदी गई अब की बार 200 पार, और ये कहीं भी जाएंगे इनका पहला टॉपिक होगा बांग्लादेशी मुकाबला जो है कड़ा होने वाला है, तगड़ा होने वाला है जब इंडिया गठबंधन जब बना था, लेकिन राहुल गांधी खुद चाहते थे कि तृणमूल कांग्रेस से अलायंस हो, ऐसा हुआ नहीं। ममता बनर्जी ने 42 सीटें खुद लड़ेंगी ये घोषणा कर दी बाकायदा एक ग्राउंड में जाकर, और अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ ही यूसुफ पठान को उतार दिया बहरामपुर से। कैसे लें इस बात? आप सबको मेरा नमस्कार, और इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मैं अपना विरोध दर्ज कराना चाहती हूं, आपत्ति दर्ज कराना चाहती हूं, और आशा और विश्वास है कि आप ये त्रुटि का सुधार करेंगे। आपके टॉप बैंड पर एनडीए चल रहा है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। हमारी अलायंस का नाम इंडिया है, INDIA, चाहे आप डॉट के साथ ही लगा लीजिए, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, लेकिन आपके टीवी चैनल पर उसको इंडी दिखाया जा रहा है। ये कौन सी पत्रकारिता है? थोड़ा भ्रम तो पत्रकारिता का भी रह लेने दीजिए। मैं सबसे पहले ये विरोध दर्ज